तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं ला मोट बॉयलर के बारे में। ला मोट बॉयलर क्या होता है? ये एक हाई प्रेशर बॉयलर होता है। ये क्या होता है? हाई प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर का मतलब कहें तो 80 बार से अबव, 80 बार से ज्यादा जब प्रेशर होता है उसको हम हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। और यस, 80 बार प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बेटा, वो कम नहीं होता, बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। तो 80 बार से अबव जितने भी हमारे पास बॉयलर्स होंगे उस पर काम करने वाले, उसको हम हाई प्रेशर बॉयलर कहेंगे। और हाई प्रेशर बॉयलर की में सबसे पहला हमारा आ रहा है वो है ला मोट बॉयलर। ला मोट बॉयलर, इसकी छोटी सी एनिमेशन है जिसको मैं आराम से आपको समझा दूंगा। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे एक होता है शेल। देखिए, ये होता है एक शेल, और यहां पे हम लगाते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। ब्लोअर क्या करेगा? एयर लेगा, हवा में से एयर लेगा और एयर को आगे भेजेगा। ये क्या है? शेल है, मेन शेल है। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एयर को पास कराएंगे कहां पे? एयर प्री हीटर में। यहां पे एयर प्री हीटर है। देखिए बेटा, एयर प्री हीटर क्या होता है? एयर प्री हीटर, नाम सुनो, एयर को प्री हीट करने वाला। तो हम जो एयर है उसको पहले ही गर्म कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, और वो एयर प्री हीटर से एयर जो जाएगी वो जाएगी हमारी, यूज होगी फर्नेस में, जहां पे हमने आग चलानी है। देखो बेटा, अगर हमें गर्म हवा मिलती है तो उससे कंबस्चन होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम क्या करेंगे, एयर को प्री हीट करके ही आगे यूज करेंगे। बात समझ आ गई? इसके बाद हमारे पास यहां पे आएगा एक पंप, आएगा पानी को लाने वाला। पानी को लाने के लिए हमारे पास पंप है। ये पंप जो होता है पानी को आगे जो पंप अप करेगा और ये लेके जाएगा इकोनोमाइजर में। ये क्या है? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है कि इस पानी को हम गर्म करेंगे, पहले ही गर्म करेंगे और बाद में आगे लेके जाएंगे, पहले ही गर्म कर लेंगे, जो हम फीड वाटर, इसको क्या कहते हैं हम, फीड वाटर। और ये फीड वाटर इकोनोमाइजर में से अंदर से निकलेगा। इकोनोमाइजर में से जाने के बाद गर्म हो चुका है, अब इस गर्म पानी को हम क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे हमारे ड्रम के अंदर। यहां ड्रम के अंदर इसको रखेंगे। ये ड्रम छोटा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है, बड़ा होता है ड्रम। तो इस ड्रम का साइज बड़ा होता है, यहाँ पे पानी आएगा। अब ये गर्म है पानी, ये याद रखना। लेकिन आप बार बार दिमाग में सोचो, सर ये गर्म कर कौन रहा है? एयर प्री हीटर को गर्म कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास जो इकोनोमाइजर है इसको गर्म कौन कर रहा है? यहाँ पे आग चलेगी बेटा। ये जो आग का धुआं होगा वही इन चीजों में यूज होगा। तो जो जा ही रही था, जा रहा था स्टीम, जो हमारे पास है ना फ्लू गैसेस, फ्लू गैसेस चिमनी में से निकलनी थी, जाते जाते उनसे काम करवा लिया हमने। तो ये जो होगा पानी, हम गर्म है, इस गर्म पानी को हम लेके जाएंगे आगे, इस गर्म पानी को आगे लेके जाएंगे। और ये यहां पे हमारे पास देखोगे तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमें इवेपोरेटर यूज करना है। इवेपोरेटर क्या होता है? जो इवेपोरेशन करता है। इसको दो तरह के इवेपोरेटर आ जाते हैं। यहां पे जो लगाएंगे हम, रेडिएंट इवेपोरेटर लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? रेडिएंट इवेपोरेटर। रेडिएंट क्या होता है? जहां पे हम आग जलाएंगे ना बेटा, ये देखो आग चल रही है, इस आग के सीधी रेडिएशन टच में आ रही है, रेडिएशन के कारण गर्म हो रहा है, मतलब सीधा आग के टच में आ रहा है। तो ये आने के कारण इसका नाम रखते हैं रेडिएंट इवेपोरेटर। क्या रखते हैं? रेडिएंट इवेपोरेटर। इसके बाद हमारा जो है एक और आएगा, देखो आगे, यही देखो हमने क्या किया, पानी यहां पे रेडिएंट इवेपोरेटर से गर्म तो कर लिया, रेडिएंट इवेपोरेटर से गर्म कर लिया, नो इश्यू इसमें। लेकिन इसमें अभी और संभावना है कि इसको और गर्म किया जा सके। इसके बाद हम इसको डालेंगे कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में। ये है रेडिएंट इवेपोरेटर, ये है कन्वेक्टिव इवेपोरेटर। कन्वेक्टिव का मतलब क्या है? जो कन्वेक्शन के थ्रू हो। देखो बेटा, यहां पे आग चल रही है, ये तो आग के सीधा कांटेक्ट में है, लेकिन यहां पे जो है आग की लपटें पहुंच रही हैं ऊपर, हवा ना, जो देखो आप कभी ना ये करना, जैसे मान लीजिए आग चल रही है, आग के ऊपर हाथ रखो, ऐसे दूर ऊपर भी रखोगे ना तो भी आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। वो कारण ये है कि आप जहां पे आग चल रही हो ना, आग के ऊपर वाली एयर जो है वो गर्म हो जाती है। तो कन्वेक्शन के थ्रू हमारे पास हीट पहुंचती है, ये कन्वेक्शन के थ्रू हमारा गर्म हो रहा है, ये रेडिएंट इवेपोरेटर। और ये कन्वेक्टिव इवेपोरेटर हमारे पास आएगा, और ये आने के बाद यहाँ पे गर्म करेंगे इसमें। इसमें गर्म करने के बाद दोबारा फिर हम यहाँ पे ड्रम में डालेंगे, यहाँ पे सेपरेटिंग करेंगे, मतलब स्टीम और वाटर दोनों यहाँ पे सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के बाद हमारे पास फिर से अगेन इसको डालेंगे कहाँ? सुपर हीटर में। ये है सुपर हीटर बेटा, सुपर हीटर में डालेंगे। सुपर हीटर क्या है? जो स्टीम को सुपर हीट कर दे।
ये ड्राई स्टीम, जो ड्राई हमारे पास स्टीम थी उसको हमने क्या कर दिया, सुपर हीट। अब ये सुपर हीटेड स्टीम जो है ये टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ये टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और टर्बाइन को चलाएंगे। तो आपको पूरा समझना है कि कौन कौन से हमारे पास इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस कंपोनेंट का फायदा क्या है। ये इवन हमारे पास ये देखोगे तो हम ये बोलते हैं ना इकोनोमाइजर, तो हमारा ये इकोनोमाइजर कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ की आग की लपटें यहां तक पहुंचती है, ये यहां तक पहुंचेंगी, यहां तक पहुंचेंगी, तो ये जो गर्मी है, ये जो फ्लू गैसेस ऊपर जा ही रही थी जाते जाते, इनको भी फायदा करेगी। लेकिन बेटा वर्क देखोगे तो यहां पे भी आपको पंप चलाने में भी काम करना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो ये सब कुछ हमें इसके अंदर हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर समझना पड़ता है। ये है ला मोट बॉयलर। इसमें खास जो पॉइंट है वो नोट कर लो बेटा, इसके मेन मेन पॉइंट नोट कर लो। इंट्रोड्यूस बाय ला मोट इन 1925 में इन्होंने बना दिया था, ठीक है 1925 में। तो इसमें क्या है, फोर्स सर्कुलेशन होती है, लिखते जाओ एक एक पॉइंट बेटा, ठीक है। फोर्स सर्कुलेशन ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर है, ठीक है। और ये कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, लिखो इसको, वाटर ट्यूब बॉयलर है। और इसमें भाई साहब स्टीम देखो कितनी बनती है, स्टीम बनती 45,000 किलोग्राम पर आवर। आप लो प्रेशर बॉयलर की बात करो ना, फायर ट्यूब बॉयलर की बात करो, वहां करते हैं 7,000 किलोग्राम पर आवर, ठीक है। यहां 45,000 किलोग्राम पर आवर, इतनी ज्यादा स्टीम एक घंटे में बना देता है, इतनी स्पीड है इसकी, इतनी ज्यादा स्पीड है। तो ये हमारे पास करता है, और प्रेशर चेक करो मेरे भाई, 120 bar का प्रेशर ये क्रिएट करता है, इसीलिए तो इसको हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं, इसीलिए इसको हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है क्या, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द ट्यूब्स वॉज द बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस बॉयलर। जो ट्यूब्स है उसके अंदर बबल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई, बबल्स बनने, जैसे छोटे छोटे बुलबुले बनते ना पानी के, तो ये बनते थे इसमें, ये फॉर्मेशन होती थी, ये प्रॉब्लम आती थी। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आगे जाके बेंसन बॉयलर, जैसे जो बेंसन बॉयलर है वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैंने आपको बताया देखो बॉयलर जो है एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, वो इससे मैच करता है वो इससे, लेकिन इनकी कमियों को दूर करके जो नई चीज आती है वो हमारे पास नया नाम बन जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, बड़ी इजी से आपको समझ आ गई होनी चाहिए, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।